बच्चों, हम लोग फिजिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025 के यूनिट टेस्ट 1 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उसको ना देखा हो तो टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें अवेलेबल है ये पेपर। फिजिक्स मूनशॉट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अवेलेबल है अब, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पहले उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, ये कहता है क्वेश्चन कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है और उसके किसी एक फेस पर हम लोगों ने चार्ज क्यू को रखा है, और क्वेश्चन जानना चाहता है एक अपोजिट साइड जो फेस है उसमें से कितने का फ्लक्स जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, अननेसेसरी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने टफ दिखाने की कोशिश की, अदरवाइज इसमें कोई दम नहीं है। अगर आप पूरे सरफेस की बात करोगे तो उसमें से जो फ्लक्स जाएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप एक फेस की बात कर रहे हो तो चूँकि बॉक्स है, क्यूबॉइड है, उसके एक फेस का मतलब उसका छठा हिस्सा, क्योंकि छः फेसेस हैं, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई और क्वेश्चन हमसे ही जानना चाहता था कि बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, और फिर क्वेश्चन कहता है कि नेट पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट ए पॉइंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, और इसी तरह से ऑप्शंस को बांधा गया। अब इसका मेन कंसेप्ट क्या है? अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो सकता है। मान लो हमने दो चार्जेस को यहाँ ऐसे रख लेते हैं, चलो मान लो हमने ऐसे दो चार्जेस को रखा हुआ है, और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो यस, उसके सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल कहीं जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज का दूसरे के नेगेटिव से कैंसिल आउट होना जरूरी है। तो बेटा, जब हम इसमें ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला कह रहा है नेट पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट ए पॉइंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। यस, ये सही है, नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट ए पॉइंट कैन बी जीरो बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। बेटा, हमें ध्यान बस इस बात का रखना है कि पोटेंशियल जीरो हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। सी ऑप्शन कहता है पोटेंशियल और फील्ड कैन बी जीरो एट ए पॉइंट। बस इतना पूरे इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट इतना ही था कि जब सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल जीरो हो कैसे सकता है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होने के लिए कोई तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए जो पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल करे। हाँ, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, चूँकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चार्जेस को अगर आपने ऐसे रख दिया तो सेंटर पॉइंट पर फील्ड जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, 28th क्वेश्चन बेटा, मैच द कॉलम वाला था, जिसमें कि आपको बस अपना जो इक्वेशन दी गई, अपने पास जो डायमेंशंस होते हैं बस उनको मैनेज करने पर का काम था। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें आप 28th में सरफेस टेंशन, बेटा सरफेस टेंशन जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो बस आपको उसके साथ उससे मैच कर लेना है। किसके साथ मैच कर रहा है? जैसे सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर। ठीक, तो बेटा मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये ए का तो अपने साथ फोर्थ का मिल गया, तो ए का फोर्थ साथ मिला तो इसका मतलब वन और टू में से कोई एक सही है। अब चेक कर लेते हैं बेटा प्रेशर को, प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब बी का ऑप्शन हो गया थर्ड। तब तो ये तो इन दोनों में ही मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों मैच कर रहा है। अब देखा जाए भाई सी से क्लियर हो जाएगा। विस्कोसिटी या इम्पल्स, बेटा इम्पल्स से चेक करो, वो ज़्यादा आसान है। इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का वही डायरेक्शन होता है जो कि मोमेंटम का होता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डी का जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड के साथ जाके मैच करेगा, इसका मतलब अपने पास सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो। तो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जिनका रिजल्टेंट ये आ रहा हो, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही कर सकते हैं, या आर्बिट्रेरी कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पास वेक्टर है वो इन वेक्टर्स का, यानी जो हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर्स लिए उनके रिजल्टेंट के फॉर्म में आए। ऐसे क्वेश्चन में हमें चुनना पड़ता है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो बेस्ट पॉसिबल आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हैविंग द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बाकी जो पार्ट्स थे वो अपने आप इंक्लूड हो गए। यस, ये संभावना हो सकती है कि कई पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट हमारे पास एक वेक्टर के फॉर्म में हो, लेकिन बेटा जब हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनना हो तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन
आर्बिट्रेरी वेक्टर सा बना लो, लेकिन उनका रिजल्टेंट उस ओरिजिनल वेक्टर की तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन कहता है अपने से कि दो फोर्सेस का जो सम है वो है 16 और रिजल्टेंट फोर्स है 8k और रिजल्टेंट फोर्स मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर है। मतलब पहले इसमें आप फिगर बना लो, फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। सपोज ये वेक्टर है आपके पास ए, ये है बी और ये है इसका रिजल्टेंट आर। तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी ये 16 है यानी इनके मैग्नीट्यूड्स का टोटल और रिजल्टेंट है 8। तो आप ये कह सकते हो अगर ये 8 है, रिजल्टेंट 8 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये अपने पास में 8 है इसका मतलब रिजल्टेंट, तो इसको आप कह सकते हो 8 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो b माइनस ए को 64 बाय 16 दैट इज 4। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी बराबर 16, b माइनस ए इक्वल टू 4। बेटा दोनों को ऐड कर दो आप तो 2b इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब b आ गया आपके पास 10 और वो आ गया तो a इक्वल टू आ गया 16 माइनस 10 दैट इज 6, तो 6 एंड 10 न्यूटन। नेक्स्ट ए बी सी डी चार पॉइंट्स हैं अपने पास में और क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ए बी और सी डी। तो बेटा इसमें क्या करोगे आप, ए बी वेक्टर को पहले बना लोगे, वो कैसे आएगा, बी में से ए को घटाओ 4i माइनस 3i दैट इज i, 5j माइनस 4j दैट इज j, 6k माइनस 5k दैट इज k और सी से डी वेक्टर डी में से सी को सब्सट्रैक्ट करो तो 4i माइनस 7i दैट इज माइनस 3i, 6j माइनस 9j दैट इज माइनस 3j और इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस 3k। अब आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं तो क्या आप सी से डी को माइनस 3 टाइम्स ए बी वैक्टर कह सकते हो, इसका मतलब ये वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं क्योंकि वो माइनस के प्रोडक्ट से आपस में अटैच हो रहे हैं माइनस 3 के जरिए। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो, बेटा 32nd क्वेश्चन था। यस व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तब रिजल्टेंट जीरो कैसे हो पाएगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नो। सी कहता है व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस, यस अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है कुछ ऐसे कि उनका रिजल्टेंट जीरो आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, यस। 33 वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट्स ए एंड बी, बेटा आपको ए और बी के वेक्टर्स दे दिए गए और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है। आपको ये पता है कि अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो एक ऐसा वेक्टर आता है जो कि जिसका एरिया निकाल लोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसको हम लोग स्टेप पर ले आ करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या करोगे आप, ए क्रॉस बी करना, ए क्रॉस बी, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले करके इसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी आपके पास ए बी वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, मॉड निकाला और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ये जो ए क्रॉस बी आता है ये पैरेललोग्राम का एरिया आता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इसका बच्चों जो आंसर मैच करना चाहिए वो करना चाहिए ये फर्स्ट वाला 5/2 √17। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके आगे आप खुद भी कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड बाय 2। फिर है चलो 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, अब ये क्या मेथड ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करती है, नहीं आप किस तरीके से उसको मेजर कर रहे हो इससे उसकी वैल्यू क्यों डिपेंड करेगी। मतलब आप मीटर स्केल से नापो चाहे सेंटीमीटर स्केल से नापो, आप जब फाइनली नापोगे जो वैल्यू आएगी मान लो 5 मिलीमीटर है तो वो तो उतनी ही होगी चाहे आप उसको किसी भी इस तरह से नापो, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन मेजर ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब तीसरा कह रहा है SI सिस्टम भी ज़्यादा होगी CGS से, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, CGS में ज़्यादा होनी चाहिए उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लैंड टाइम, बेटा ये भी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ऐसी क्वांटिटी हो जो मास लैंड टाइम पे डिपेंड ही ना कर रही हो, फॉर एग्जांपल करंट हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें। 35th क्वेश्चन कहता है वन माइक्रोन, ए माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, तो बेटा माइक्रोन मतलब 10^-6 मीटर, तो जब आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यस 10^-4। तो ये क्वेश्चंस थे 35 तक के, बेटा 35 से लेकर के 50 तक में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, हम लोग लेकिन पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच रिलेशन इज रॉन्ग, 1 कैलोरी 4.18 जूल, यस ये सही है, एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर, ये भी सही है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10^-13, बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6×10^-19 जूल के होता है, तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर ले रहे हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 10^-13 आ गया। अब इसमें 1 न्यूटन 10^-5 डाइन्स, ये गलत है, तो बेटा अपना ऑप्शन के साथ अकॉर्डिंग अगर कहेंगे तो चूंकि हमें ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा जाए कौन सा, तो ये बाकी सब तो सही थे, यही गलत था और हमें गलत को ही चुनना था। नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट्स, बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7, एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, तो 7। नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज विच वन क्वांटिटीज इज टू बी कॉल्ड ए डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें कई स्टूडेंट्स ने गलत किया। बेटा क्वेश्चन हमेशा टफ नहीं होता, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका अटेंशन मांगते हैं, उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, होगा बड़ा इजी लेकिन आपके ध्यान इधर उधर भटकने के कारण गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन भी दे रहे हैं, कई बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं, तो जो बच्चा जैसे जिसको सूट करे, अगर कोई वाराणसी में रह रहा है तो वो ऑफलाइन दे सकता है टेस्ट सीरीज़ को, ये टेस्ट सीरीज़ पूरा चलनी है नीट 2025 एग्ज़ाम तक, ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल है, वो शेड्यूल भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है फिर स्मूथ शॉट के, और जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल है। तो बेटा काफ़ी बच्चे दे रहे हैं इसको, काफ़ी बच्चों ने गलत किया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायमेंशन है और जो कॉन्स्टेंट है, यानी उनकी वैल्यू चेंज ना करे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करती जाएगी अगर आप हाइट या डेप्थ पे जाओ, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये भी चेंज करता जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर आप उसमें कोई सोप डाल दो, वेट ऑफ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, बेटा कई स्टूडेंट ने इसको चुना वेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो वेट डिफाइन हुआ है वो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हुआ है, तो जब जी की वैल्यू चेंज कर सकती है तो फिर वेट भी चेंज कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये कांस्टेंट रहेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी ये अपना आंसर हो गया डी 39। ग्राफ बिटवीन पी एंड क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन व्हेन पी बाय क्यू इज कांस्टेंट, यस बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आप कहते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स तो इसका मतलब वाई अपॉन एक्स इज कांस्टेंट, तो अगर आप कह रहे हो ग्राफ बिटवीन पी एंड क्यू स्ट्रेट लाइन तो यस पी बाय क्यू इसको किसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, लेट अस कॉल इट एम, तो वो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स पी प्रोपोर्शनल टू क्यू और पी इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय क्यू, यस रीजन भी अपने आप में सही है, तो इसका मतलब रीजन और एसर्शन दोनों सही हैं और रीजन उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हो तो वो वाई और एक्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए और वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होने चाहिए, तो उसी बात को ये यहाँ कह रहा है पी बाई क्यू कांस्टेंट और रीजन में उसी को वो कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो किसी कांस्टेंट का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय फॉर्मूला, ये बेटा देखो अब इसमें ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि आपको बेटा अब इसके लिए आपको फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, तो एसर्शन अपना गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी डायमेंशंस ओनली दो डेट फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच LHS इज इक्वल टू RHS, यस ये बात सही है, डायमेंशंस में जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है तभी आप कहते हो इक्वेशन वो फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, तो
रीज़न तो सही है लेकिन एसर्शन ही गलत हो गया। तो एसर्शन फॉल्स है, एसर्शन अपने को बेटा इसमें हाँ अच्छा ई वाला ऑप्शन है, वही मैं ढूंढ रहा था कि ये ऑप्शन है नहीं क्या इस बार इसमें, तो ये ई ऑप्शन अपने पास है तो सही ऑप्शन भी वही ई ही हो जाएगा क्योंकि एसर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। नेक्स्ट, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास दो चार्जेस हैं क्यू और माइनस क्यू के और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसको कहा गया एफ। तो ये क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, इनके बीच में फोर्स को कहा गया है एफ। तो अगर आप डिस्टेंस कह लो ये आर का है तो पहले आप फोर्स को डिफाइन कर लो, तो वो हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनके मिडिल में एक आप और चार्ज ले आए क्यू का, इसके बीच में आप एक चार्ज और ले आए क्यू का, और तब आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि बताइए इनके बीच में फोर्सेस कैसे क्या हैं। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला था के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक, बीच में एक चार्ज को और ले आए, तो बेटा इस पर जो फोर्स लगेगी वो कितने की, ये रिपेल कर रहा होगा वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, कितने से, के क्यू स्क्वायर बाई ये आर बाई टू का स्क्वायर जो कि उसका सेपरेशन हाफ है, और ये चार्ज जितने से धकेल रहा है उतने से वो चार्ज खींच रहा है इसलिए टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फोर वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, फोर इंटू टू एट, एट एफ। अब रही बात इसके डायरेक्शन की, तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए बीच वाले सब चार्ज पे फोर्स का, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब आ जाओ आप अपने ऑप्शंस पे, तो एट एफ टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। बेटा इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार पहले खुद कर लो, जैसे इस पेपर को आप डाउनलोड कर लो फिजिक्स मूनशॉट ऐप से या टेलीग्राम चैनल से, और उसको पेपर को एक बार खुद कर लो आप, उसके बाद आप जो ये पहला वाला लेक्चर था जिसमें 1 से 25 तक किया था, 26 से लेके आगे तक का कर रहे हैं, तब आप अगर इसको करोगे तो आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपको उससे भी अच्छा बेनिफिट चाहिए तो ऑब्वियसली बेटा आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो और उसको दे करके, ताकि फिर उसके बाद आप जब उसका डिस्कशन यहाँ देखोगे, फिर उसका जो जूम हम लोग जूम सेशन करते हैं जिसमें बच्चे अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं, तो उससे आपको उसका और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 42, हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुननी है। कूलम्स फोर्स बाइंड्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस, ये तो सही, हमें गलत चुनना है। बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये गलत है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाली जो फोर्स होती है बेटा वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, ना कि कूलम्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अपना आंसर तो मिल चुका है। बाइंड एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, एक के न्यूक्लियस का दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स बनती है उसी कारण तो बाइंडेड रहते हैं, बाउंड रहते हैं। बाइंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी वही रीजन है, तो अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फोर पॉइंट चार्जेस हैं फोर क्यू माइनस क्यू फोर क्यू और इनको आपने एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ये रही अपनी एक्स एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे रखा है 4q का चार्ज, यहाँ रखा है एक माइनस क्यू का चार्ज और यहाँ रखा है 4q का चार्ज, ये क्या है, फोर क्यू माइनस क्यू फोर क्यू, ये रखा है जीरो पर, ये x इक्वल टू ए पर, ये x इक्वल टू 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 ए पर। अब इसमें क्वेश्चन कहता है क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नो बेटा, जो माइनस क्यू है ये बीच वाला जो क्यू है यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा ये अपनी तरफ खींचेगा, अगर आपने इसको जरा सा भी कहीं डिस्प्लेस किया तो उधर ही भाग जाएगा वो, यानी पहला ऑप्शन गलत। नन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, गलत है, चार्जेस इक्विलिब्रियम में तो है, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इक्विलिब्रियम में तो है, अगर आप इस पर भी फोर्स निकालोगे तो ये चार्ज सेंटर वाला अपनी तरफ खींचेगा और ये अपने से दूर रिपेल करेगा, फोर्सेस इक्वल आ जाएंगी, तो ये इक्विलिब्रियम में तो हैं, बी ऑप्शन गलत। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब जरा इसको चेक करना पड़ेगा, इस चार्ज को सेंट्रल चार्ज को अगर आप थोड़ा सा भी किसी एक चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करो तो वो चार्ज अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, क्यों, डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। अब आप जरा इसको भी देख लो 4q वाले को भी किसी एक को,
तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा कितने से, के इंटू फोर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस चार्ज की फोर्स इस पर क्या आई होगी रिपल्शन की, के 16 क्यू स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस डबल है तो 4 ए स्क्वायर, तो आप देखो तो मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम में तो ये 4 क्यू वाला भी है, बस आप जैसे ही उसको डिस्टर्ब करोगे, जो दिडर डिस्टर्ब करोगे वो उधर ही भाग जाएगा, क्योंकि फोर्सेस जस्ट बैलेंस हैं। यस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें अगर आप पार्टिकल को डिस्टर्ब करो तो जिधर डिस्टर्ब करो वो उधर ही भाग जाए। नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है टी और एक मेटल बॉब से बना है, वो नेगेटिवली चार्ज है, अगर उसको एक पॉजिटिव प्लेट के ऊपर ऑसिलेट कराएं, तो बेटा अगर ये अपने पास सिंपल पेंडुलम है और ये रही अपनी एक, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट उसको अपनी तरफ खींचेगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, जी की जगह पर आप ले लेते हो जी की इफेक्टिव वैल्यू, अगर एक्सेलरेशन कोई और भी लग रहा हो तो जी तो नीचे लग ही रहा होगा, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है इसके कारण भी जी की वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसका मतलब जो इफेक्टिव जी की वैल्यू है वो 10 से बड़ी हो जाएगी, 12, 13 कुछ भी हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो इसका मतलब टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, तो लेस देन टी। नेक्स्ट, 45th क्वेश्चन ने हमें एक गॉसियन सरफेस दिखा दिया और कुछ चार्जेस अंदर और एक चार्ज बाहर भी दिखाया, और क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके किसके कारण है, मतलब फील्ड अगर लिया जाए तो ये। बेटा देखो अभी क्वेश्चन ने इसी जगह पर जाकर के चेंज कर दिया, गलती कराने की कोशिश कर ली, ये बात सही है, गॉस थ्योरम में जो गॉसियन सरफेस लेते हैं उसके थ्रू पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्जेस कितने हैं, लेकिन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर के चार्ज, बाहर के चार्ज और अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड हो तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो इसमें ऑल द चार्जेस, चूँकि क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहा है न कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सी ऑप्शन। 46 क्वेश्चन कहता है अपने से कि अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें इसमें फोर्स निकालनी है एक ऐसे पार्टिकल पर जो कि ओरिजिन पर है। बेटा इसमें क्या करो, आप उसको डिफरेंशिएट करो, dv बाय dx करोगे तो x डायरेक्शन की फोर्स मिलेगी, x डायरेक्शन की फोर्स fx, इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे और चूंकि पार्टिकल ओरिजिन पर रखा हुआ है तो यहाँ पे y का टर्म बच जाएगा, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर जाएंगे, सिर्फ 6x डिफरेंशिएट होगा तो 6 आएगा, एक माइनस साइन भी आता है, वो अपने काम का नहीं है, हम लोगों को भी मैग्नीट्यूड निकालना है। y डायरेक्शन के लिए इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये कॉन्स्टेंट बन के हट जाएगा, इसमें x है जब 0 वैल्यू बैठाओगे तो हट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ -8, ये हम लोग मॉड वैल्यू लेके चल रहे हैं 8। z एक्सिस पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारा टर्म ये यहाँ से हटता चला जाएगा, ये जब डिफरेंशिएट होगा तो y बचा रह जाएगा, सिर्फ यहाँ से ये टर्म आएगा, तो बेटा इसमें लेकिन z बचा रह जाएगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक z बचा रह जाएगा जो कि इसको बना देगा 0, इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगी अपने पास वो fx² + fy² यानी ये आ जाएगी 10, और क्वेश्चन आपसे मांग रहा है फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज, बेटा ये क्या निकाला, सॉरी ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस, तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F बराबर क्यू ई कर दोगे तो आपको 2 × 10 दैट इज 20 न्यूटन की फोर्स मिल जाएगी। कहाँ गया भाई, आ गया, ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स मिल जाएगी। बेटा जब हम लोग पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं तो फोर्स, तो ये आप करेक्शन कर लेना, ये EX/EY/EZ आएगा। नेक्स्ट, 47th क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि आपके पास चार्जेस हैं Q और -2Q, ये अगर आपकी मान लो x एक्सिस कही जाए, यहाँ पे एक चार्ज रखा आपने Q का
और यहाँ रखा है माइनस टू क्यू का, ये रखा है यहाँ पर a पर और ये रखा है 2a पर। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर आप सिंपल एक कंसेप्ट चला दो कि नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के नज़दीक होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बेटा इस पर अगर आप डायरेक्ट कंसेप्ट चला दो तो भी आंसर आ जाएगा, किसी भी हालत में नल पॉइंट छोटे चार्ज के नज़दीक होना चाहिए। तो x की वैल्यू a रूट टू इससे बड़ा आ जाएगा, बीच में आएगा नहीं, पॉसिबल है, माइनस a रूट टू इसके पीछे आएगा, पॉसिबल है, प्लस माइनस a रूट टू यहाँ बीच में पॉसिबल नहीं है नल पॉइंट मिलना, क्योंकि दोनों के जो फील्ड्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं। 3a बाई टू अगेन इसके बीच की बात है, तो आंसर तो अपने पास सीधे आ गया बी ऑप्शन। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको डायरेक्ट इस कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो इसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरा सॉल्व ही करो, ठीक है। अब रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो आप इसको कैसे कर लो, यहाँ से इस डिस्टेंस को मान लो कुछ, ये डिस्टेंस अगर आप कह दो कि ये एक्स है, ये डिस्टेंस अगर आप कह दो यहाँ से एक्स, तो आप इक्वेशन मान लो यहाँ पे एक चार जो फील्ड की, नेट फील्ड की, तो के